एपिसोड के शुरुआत में यूटन के हाथ में पैसे देख के अगल बगल के लोग बहुत शौक हो जाते हैं और यूटन कह रहा होता है देखो और गिनो इस पैसे को। फिर यूटन चियांग के ऊपर पैसे फेंक के मारने लगता है और कहता है लो लो पकड़ो और साथ में 2 लाख टिप भी है तुम्हारे लिए। जब इतने पैसों की मार पड़ती है तो कैसा लगता है, कितना अच्छा महसूस होता है। और अगल बगल के लोग इतने पैसे देख के पूरे पागल से हो जाते हैं। बगल में जियांग और जिया कह रही होती है वो कितना अमीर है, वो ये फैमिली का मेंबर है तो इतना अमीर होना चाहिए। और बगल में गुआंग कहती है मतलब वो साइकिल में घूम कर हमको बेवकूफ बनाता है कि वो गरीब है। और यूटन के पीछे लिवनर खड़ी होती है और लिवनर यूटन को ऐसा करते हुए देख के कहती है ये तो पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं। तभी चियांग पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है देखिए देखिए इसने मेरी कार को तोड़ा और मेरा अपमान किया है, अरेस्ट कर लीजिए इसे। और ऑफिसर अपने कान में उंगली डाल के खड़ी होती है। फिर चांग जूम यूटन से कहती है तुमने सुना इसने क्या कहा, अब तो पुलिस स्टेशन चलना होगा। यूटन कहता है वास्तव में तो उसने कहा था कि मैं उसका भुगतान कर देता हूँ तो वो मुझे जाने देगा, मेरे पास कई गवाह है। फिर यूटन अगल बगल लोगों से कहने लगता है हमने सब स्पष्ट सुना है जो उसने कहा है ना। अगल बगल के लोग यूटन की बात सुनकर रिएक्ट नहीं कर रहे होते। तभी यूटन कहता है अगर जिसके कान तेज है और जिसने सुना है कि इसने क्या कहा वो ये कार का टुकड़ा ले जा सकता है चाहे जो। ये बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों में जोश आ जाता है और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, वो अपने बात से मुकर गया, वो बहुत बड़ा झूठा है, वो अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसे जान से मार देता, वो कितना घटिया लौंडा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा, मारो उसे मारो। फिर यूटन वहां से जाने लगता है और चियांग पीछे से कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां यूटन साइकिल लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है तब भी मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, तब भी कोई ना मुझे ये चीज करके बहुत मजा आया। तभी यूटन के पीछे से कोई कहता है पैसों से लोगों को मारना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हम देखते हैं वो सिकी होती है जो पीछे कह रही है। यूटन सिकी से कहता है तुम अभी मेरा पीछा कर रही हो। सिकी कहती है हां क्यों नहीं, जब तक तुम मेरे ग्रैंडपा की लाज नहीं कर देते तब तक मैं करूंगी जो मुझे करना जरूरी है। यूटन सिकी से कहता है जरूरी वाली बात, अगर मैं कहूंगी तो अपने कपड़े उतार दो तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सिकी कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन मेरा एक मंगेतर है। तभी यूटन कहता है ये तो और भी बढ़िया रहेगा। तभी सिकी अपने मंगेतर के बारे में बताने लगती है, वो ब्लैक कमांडो का कैप्टन है, वो स्नाइपर है, वो बंदूक भी अच्छी चला लेता है। ये बात सुनकर यूटन कुछ सोचता है, वहां से जाने लगता है और कहता है घर में मेरा बहुत सारा काम पड़ा है तो मुझे जाना होगा, ये फालतू काम मैं नहीं कर सकता। सिकी यूटन को रोकने की कोशिश करती है, उसके सामने घुटने पे आके बैठ जाती है, कहती है प्लीज मेरे ग्रैंडपा की मदद करो प्लीज। यूटन सिकी से कहता है तुम्हें पता होना चाहिए मेरे सामने भीख मांगना और धमकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिकी कहती है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, मेरे ग्रैंडपा ने नहीं, प्लीज मेरी ग्रैंडपा की मदद करो। यूटन कहता है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये कर सकता हूँ। सिकी कहती है ये मैं नहीं जानती लेकिन तुम ही हो जो मेरे ग्रैंडपा की इलाज कर सकते हो, अगर मेरे ग्रैंडपा को सही टाइम पे इलाज ना मिला तो उनकी जान भी जा सकती है, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ जब तक तुम चाहो, जब तक तुम्हारा मन करे, ये मेरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये चीज पैसों से नहीं नापा जा सकता। यूटन ये सब सुनकर शौक हो जाता है और कहता है ईस्टर्न टाउन में निंग फैमिली का भी बहुत बड़ा नाम है और सिकी को देख रहा होता है। यूटन कहता है मेरी 3 शर्तें होंगी और 10 लाख रुपए और इसमें कोई मोल भाव नहीं होगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिकी के डैड कह रहे होते सिकी से वो 10 लाख हमारे लिए महंगा नहीं, जो 3 शर्तें हैं वो हमारे लिए महंगी पड़ सकती है। और कुछ सिकी कहती है नहीं, सिकी के डैड कहते हैं हमें उससे बात करनी चाहिए, अगर वो कुछ कर सकता है तो ठीक है वरना हमें उसकी शर्तें माननी होगी। सिकी कहती है ठीक है। फिर सीन कट होता है जहाँ मिस चैंग कंपनी दिखाया जाता है, जहाँ मिस चैंग सिक्योरिटी आती है और कहती है मिस चैंग नीचे लियूफू आया है। मिस चैंग कहती है वो यहाँ पे क्यों आया है, उसकी सिक्योरिटी बताती है कि उसने कहा कि वो आपका यहाँ सहयोग करने आया है। मिस चैंग कहती है उसे कहो कि यहाँ से चला जाए मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तभी वहाँ लियूफू आ जाता है हंसते हुए और कह रहा होता है चैंग देखिए मैं आपके लिए गुलाब लेकर आया हूँ, आपका क्लाइंट आपके सहयोग करने के लिए तैयार है। तभी मिस चैंग कहती है मिस्टर लियूफू क्या आप नहीं जानते बिना बुलाए मेहमान को घुसपैठिया कहते हैं, हमारी कंपनी को आपके सहयोग की जरूरत नहीं है तो अपने फूल को आप लेके यहाँ से जा सकते हैं। तभी लियूफू अपना फोन मिस चैंग के डेस्क पे रख देता और कहता है चैंग कैक्सिन इतनी जल्दी मत करिए, हम जानते हैं कि आपकी कंपनी बहुत मुसीबत में है तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मिस चैंग अपनी सेक्रेटरी से कहती है इस फूल को हटा दो। तभी लियूफू कहता है मिस चैंग इसको इतना कठिन मत बनाओ। मिस चैंग लियूफू से कहती है आपको कैसे पता चला हमारी कंपनी मुसीबत में है। लियूफू कहता है ऐसा क्या, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना तो मेरे नेटवर्क वजह से मुझे पता चला, वैसे मैं बहुत बड़ा क्लाइंट हूँ तो आप मुझे ऐसा मना नहीं कर सकती। मिस चैंग कहती है मैं मानती हूँ कि आप बहुत बड़े क्लाइंट है लेकिन मेरे मंगेतर ऐसा नहीं करते। लियूफू कहता है आपका मंगेतर, क्या आप यूटन की बात कर रहे हैं, क्या आपकी सगाई अभी तक यूटन से नहीं टूटी। मिस चैंग कहती आप तो मेरे बारे में बहुत जानते हैं, क्या आपने खाली टाइम बस यही किया है, मुझे बहुत काम है तो माफ करिए आप यहाँ से जाइए। लियूफू सुनकर शौक हो जाता है, गुस्से में कहता है हे तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। तभी मिस चैंग सिक्योरिटी कहती है सिक्योरिटी बुलाओ और इस आदमी को निकालो यहाँ से। लियूफू गुस्से में कहता है अब तुम मुझे दोष मत देना कि तुम्हारी कंपनी का मैं क्या हाल करूंगा, मैं तुम्हारी कंपनी का दिवालिया निकाल दूंगा। मिस चैंग हाथ दिखाते हुए कहती है खुद को इतना महत्व देने की भूल मत करो, जाओ यहाँ से। फिर लियूफू गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लियूफू के साथ उसका बदमाश भी आया होता है और लियूफू से कह रहा होता है शांत हो जाइए हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं। लियूफू गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाता है, वो भी सीधा नहीं तिरछा अपने बदमाश की तरफ दिखा रहा होता है और कह रहा होता है मैंने गुलाब का फूल लेके गया उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे गोली लेके जाना चाहिए था। वो बदमाश कहता है आपने सही कहा और मन में कहने लगता है आपका काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने बहुत बुरे काम किए हैं, मतलब ये बदमाश अच्छा आदमी है।
तो हम इसे अच्छा आदमी कह सकते हैं, आधा अच्छा आदमी। ल्यूफो कहता है कुछ पता चला, वो कमीना कहाँ है? अच्छा आदमी कहता है क्या आप यूटन की बात कर रहे हैं? तो वो हमारे पड़ोसी शहर टियाक्सिन में है, तो क्या आप अभी इसे करना चाहते हैं? ल्यूफो कहता है हाँ मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा अलग। तभी सीन कट होता है, दिखाया जाता है कि यूटन को कोई टीवी पे देख रहा होता है और वो लोग यूटन की फैमिली ही होते हैं। यूटन के ग्रैंडपा फ्यू से कहते हैं फ्यू तुम इसे दिखा के कहना क्या चाहती हो? फ्यू कहती है ग्रैंडपा मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई बदल गया है। यसी कहते हैं हाँ एक काली भेड़ जो एक पानी की तरह पैसे बहा रही है। यूटन के ग्रैंडपा फ्यू से कहते हैं मुझे और भी बताओ। फ्यू कहती है मुझे ज्यादा नहीं पता। तभी यसी जो जोश हंसने लगता है और कहता है मेरा भाई अब आत्मनिर्भर हो गया है। ये सुनकर फ्यू मुंह फुला लेती है और अपनी माँ से कहती है माँ भाई बदल गया है मेरा विश्वास करिए। उसकी माँ कहती है फ्यू अभी उसके बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रैंडपा उसे नहीं अपनाएंगे। फ्यू फिर डैड से कहती है, तभी डैड कोई जवाब नहीं दे रहे होते। तभी फ्यू कहती अब तो मुझे ग्रैंडपा को ही मनाना होगा। यही के साथ डॉक्टर डेविल एपिसोड 59 और 60 खत्म होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, गुड बाय।